हे गाइस, वेलकम बैक टू मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टिप्स। मैं पूजा राव आ गई हूँ ना आज आप लोग के लिए नेहा आशीष तिवारी की कुछ बातें लेके, और कुछ उनकी ससुराल वालों से क्या प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहती हैं नहीं चाहती हैं, और उनकी देवरानी ने भी अब बोल दिया मैं चुप नहीं रहूँगी और अपने रिश्ते को दिखाया है। लेकिन आज का जो वीडियो है गाइस, मैं स्पेशली ना नेहा आशीष तिवारी के बारे में बना रही हूँ, और उन्होंने ओपन ही ये बोला है, और इस दिन के लिए उन्होंने करवा चौथ के दिन ये वीडियो बनाया, और उन्होंने ओपन बोला कि वो नेहा आशीष तिवारी थी, नेहा आशीष तिवारी हैं और नेहा आशीष तिवारी ही रहेंगी। चाहे इस चीज़ का फैसला उन्होंने ना बहुत पहले ले लिया था। उन्होंने बोला कि जो आशीष जी हैं ना, उनका जगह ना कोई था ना कोई है और ना कोई आएगा। तो मैं उनसे इस चीज़ बोलना चाहती हूँ, चलिए अच्छी बात है, लेकिन आपके लाइफ में ना एक नए शख्स की शुरुआत हो रही है, और वो इंसान ना सुमित महल है, और उनको देख के अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा नॉटी टाइप के दिख रहे हैं वो। और कल उन्होंने ना मतलब एक गाना भी लगाया था, जो तेरी तारीफ जलन जो भी है, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे बहुत मस्त मस्त आपके फ़ोटो के साथ वो गाना भी लगाते हैं, अच्छा लगता है। देखिए, आपकी लाइफ में ना एक नए प्यार की एंट्री हो रही है। आपने जो बात बोल रही है ना, कोई भी लड़की नहीं चाहती है ना कि उसको कभी भी जीवन में ना उसको दूसरी शादी करने की नौबत आए, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसे अनुकूल और प्रतिकूल हो जाती हैं कि लड़कियों को ना दूसरी शादी करने पर भी मजबूर हो जा रही है। आपको चलो जो भी है, आपके फैमिली मेंबर का सपोर्ट नहीं सपोर्ट, और यूट्यूब पर ना गाइस, ऐसे यूट्यूबर को कौन कौन जानता है जिन यूट्यूबरों ने विधवा होने के बाद ना दो शादी तो नहीं बोलूँगी, तीन तीन शादियाँ कर ली, और शादी को ना मतलब एक मजाक के रूप में बना के रखा हुआ है। लेकिन चलिए, नेहा आशीष तिवारी एटलीस्ट इतना ही उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो अपने वीडियो में अपने जो भी इंस्टाग्राम का पेज है हर जगह नेहा आशीष तिवारी ही रहेगा। तो कुछ लोगों का इसमें ये कहना है कि ये जानबूझकर कर रही हैं और ये सिंपैथी गेन कर रही हैं, और ये अगर अपने चैनल से ना आशीष तिवारी जी का नाम हटा देंगी तो इनके चैनल पे व्यू नहीं आएगा। देखिए, नेहा आशीष तिवारी का ना आशीष तिवारी नाम हटाने से व्यू कैसे रुक जाएगा, अभी इनके चैनल पे ना व्यू बढ़ेगा, क्योंकि इनकी नई नई शादी होंगी, ये हनीमून पे जाएंगी, मतलब घर पे नया रसोई होगा, नया किचन होगा, नया सब कुछ होगा, तो आप और हम ही जाएंगे व्यू देने के लिए। तो देखिए, अगर एक लड़की अपने लाइफ में आगे बढ़ रही है ना, तो अभी से अब मुझे लगता है ट्रोलिंग को छोड़ देना चाहिए और पॉजिटिव वे में ना आगे बढ़ना चाहिए, और इनको भी ना आगे बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि जो ना विधवा होता है ना गाइस, उससे बढ़ के ना किसी तकलीफ को आप नहीं समझ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ना रीति रिवाज रिचुअल फंक्शन होते हैं जहाँ पे ना उनको पूजा में अलाउ नहीं होता, जहाँ पे उन्हें नहीं जाने दिया जाता है, लोग ऐसी नज़र से देखते हैं तो एक लड़की को ना बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, और वो बहुत मुश्किल से प्यार से लव मैरिज हो। तो मैं अभी भी ये मानने के लिए रेडी नहीं हूँ डियर, अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं नेहा, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे एक बस यही चीज़ है कि मुझे अभी भी ये विश्वास नहीं है कि आपकी ये लव मैरिज नहीं है, मुझे अभी भी ये लग रहा है कि आपकी लव मैरिज ही हो रही है। तो बाकी लोगों को इसमें क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन आप जो इस शादी कर रही हैं ना, ये बहुत अच्छा डिसीजन ली है, आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने का सबको हक है, और आपको क्यों नहीं होगा, आपको भी हक है, तो आप लाइफ में आगे बढ़िए। और आप उन लड़कियों के लिए प्रेरणा है ना जो ये बोल रही हैं, देखिए हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कोई बोल रहा है ना कि आप गलत कर रही हो, 10 साल छोटे लड़के से शादी कर रही हो, तो ये कर रही हो तो वो कर रही हो, लेकिन प्लीज़ मेरी बातों को ना आप पॉजिटिव वे में लीजिएगा। मैं बोलती हूँ ना कि आपके अंदर वो टैलेंट है कि जो लोग आपको बुढ़ी बोल रहे हैं ना, तो आपके अंदर वो टैलेंट है कि आपके पास ना सुमित महल आए हैं, कुछ तो देख के ही आए हैं, क्योंकि आपने ही बोला है कि लव मैरिज नहीं है हमारे लिए ना, वो रिश्ता आपके लिए भेजा गया था। तो अगर रिश्ता भेजा गया तो आपके अंदर कुछ तो खासियत देखे होंगे, तभी तो आपके एक बेटी है, फिर भी एक अनमेरिड लड़का आपके से शादी करने के लिए रेडी हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, मैं बोलती हूँ ना, तो इसीलिए हर एक लड़की को ना कुछ अर्न करना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, अपने पैरों पे खड़े होने चाहिए, उससे ना आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज आ जाती है, और बहुत लोग ना आपको नरमस्तक बोलते हैं ना, होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो नेहा आशीष तिवारी की ज़िंदगी को देख कर ना आप निगेटिविटी को भूल जाइए, उनसे ना पॉजिटिविटी सीखिए कि एक लड़की ना अपने दम पे सक्सेस हुई। चाहे हो सकता है आप लोग बोले चलो पति का नाम ले लेके जिस पे गुजरती है ना वही समझता है कि वो, अगर देखिए अगर उनके हस्बैंड का डेथ हो गया है ना, तो चाहे नहीं चाहे लेकिन एक वीडियो बनाएंगे ना तो उनके मुंह से आ ही जाएगा, और उनके संग तो हुआ है। चलो ये बात सही है, मैं इस चीज़ में उनके साथ नहीं हूँ कि वो अपने ससुराल में नहीं थी। देखिए, उनके ससुराल में अगर आज वो ससुराल में होती तो ये डिसीजन भी ना वो नहीं ले पाती शादी करने का, क्योंकि देखिए ससुराल का जो ज़िंदगी होता है बिल्कुल अलग होता है, और मायके का जो ज़िंदगी होता है ना बिल्कुल अलग होता है। तो मैं आप लोग से ही रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी निगेटिविटी है ना उसको भूल जाइए,
और रही बात कि इस सुमित महल को ना बहुत लोग रामदेव बाबा बोल रहे हैं, बहुत लोग कुछ बोल रहे हैं, बहुत लोग कुछ, तो आखिर सुमित महल कौन है? तो सुमित महल एक बिजनेसमैन है जो हम लोग जानते हैं, और शादी के बाद पता चलेगा नेहा आशीष तिवारी जी के कितने बड़े बिजनेसमैन है कि नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो ट्रेडिंग का काम करते हैं। आगे वो बहुत रोमांटिक हैं क्योंकि वो बात बात में वीडियो डालते रहते हैं, मैंने देखा है नेहा जी के संग मस्त मस्त गाने ऐड करके डालते हैं। और कल उन्होंने डाला सारा इल्जाम मेरे नाम ले ली, चोरी 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 अखिया लड़ाई रे, कल बहुत अच्छा गाना उन्होंने डाला था, मुझे अच्छा लगा। और आई थिंक ना जो यूट्यूब पर एक जीजा जी जो घूम रहे हैं जगत जीजा, जिनको लोगों कुछ लोगों ने नाम दे दिया है, वो सुमित महल की ना रियल आईडी नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ सुमित महल को ना इतना टाइम नहीं है कि आकर ना सालियों के संग मजाक करेंगे। और जो लोग भी ये अफवाह फैला रहे हैं कि वो सुमित महल है, और जो भी सुमित महल बहन के घूम रहे हैं ना, ऐसा मत कीजिए, किसी का नाम को बदनाम मत कीजिए। अभी अभी तो YouTube पे ये चीज़ शुरू हुआ है और आप लोगों ने पूरा इनको अफवाह फैला के रख दिया है कि सुमित महल लड़कियों के संग अभी से आके बात करें, सालियों के संग मजाक करें, सालियों के संग ऐसे करें, सालियों के संग ऐसे करें, तो ये गलत बात है। वो सुमित महल की रियल आईडी नहीं है, मैं अभी भी आप लोगों को इस संग क्लेरिफिकेशन दे रही हूँ। और रामदेव बाबा जो लोग बोल रहे हैं ना, तो रामदेव बाबा बनने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। आप रामदेव बाबा को देख रहे हैं ना, अभी तक दाढ़ी मूँछ उनको ना झोटा चूल जो भी बोलिए, कितना सुंदर है रामदेव बाबा का, तो शायद इसीलिए उनको रामदेव बाबा नाम दिया गया है, जो भी दिया गया हो, लेकिन तासीर के साथ उनका एक बॉन्डिंग दिखता है। और मैं बार बार बोलती हूँ अगर नेहा आशीष तिवारी ने उनके फैमिली के लोग ने सेलेक्ट किया है तो कुछ अच्छे सोच के ही सेलेक्ट किया होगा, तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को ना माइंड मत कीजिए। और चलिए देखते हैं कि नेहा आशीष तिवारी जी का शादी के बाद कैसा लुक होने वाला है, क्या होने वाला है। उन्होंने बोला है, बार बार बोला है कि मैं, लेकिन मैं बोलूँगी ना कि हर इंसान का एक पास्ट होता है और वो अपने पास्ट को भूल चुकी हैं, क्योंकि जो लोगों को लगता है ना पास्ट नहीं भूली। आपने देखा था एंगेजमेंट में उनके चेहरे पे एक अलग सा नूर था, स्माइल था, सब कुछ था, थोड़ा देर के लिए इमोशनल भी हुई थी, लेकिन मुझे लग रहा है ना सुमित महल और इनकी जोड़ी देखने को बनता है, देखिए कैसा होता है। मैं तो भगवान से कोश फिंगर करके प्रे करूंगी कि अच्छा ही हो, क्योंकि बहुत सारी यूट्यूबर ना शादी के चक्कर में फंस जा रही हैं और उनके संग ना बहुत बुरा हो रहा है। एक तो थी फौजन की फौजी, तो फौजी की फौजा ऐसे ऐसे लिखा करती थी, फिर एक तो और लड़का से शादी की थी, फिर एक और लड़का से, लेकिन ये चीज़ ना उस यूट्यूबर को देख के ये लग रहा है कि क्या लड़कियाँ इतनी नहीं है कि वो खुद से अकेले चल सके, इस समाज में अकेले बन सके, अपने बच्चे को अकेले पाल सके। है, जरूर है, हमेशा किसी लड़की के सहारे की जरूरत नहीं होती है। तुम्हारे संग तीन बार चार बार हो गया, और ऐसा हो जा रहा है ना कैसे यूट्यूबरों का कि ये उन लड़कों के चक्कर में आके ना अपने माँ बाप भाई बहन सबको खराब समझने लग रही हैं। तो ये लड़का लड़की अगर ना चक्कर छोड़िए, अपने बच्चे को पालिए, और एक माँ ना सबसे बड़ी योद्धा होती है। मैंने बार बार बोला है ये चीज़ आपको, अगर आप चाहें तो अपने बेटे को ना अच्छी परवरिश, अपने बेटी को अच्छी परवरिश दे सकती हैं, और एक सिंगल मॉम भी चाहे ना तो अपने बच्चे को अच्छा पालन पोषण करके बड़ा कर सकती है। तो मेरा तरफ से ना सारी लड़कियों के लिए एक मैसेज था कि आप लोग भी सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, और नेहा आशीष तिवारी की ज़िंदगी में क्या बुराई हो रही है, क्यों लोग टारगेट करें, ये सारी चीज़ भूल के ना पॉजिटिविटी में बढ़िए और उनको ना ब्लेसिंग दीजिए भर भर के कि उनके संग जो पहले हुआ था ना वो दोबारा ना हो। और उन्होंने बहुत इमोशनल हो गई थी वो करवा चौथ के दिन अपने पति को याद करके, वो बोल रही थी जब तासी पेट में थी ना तो उनके हस्बैंड भी उनके लिए व्रत रखे थे, तो चलिए अच्छी बात है उनके लिए व्रत रखे थे। और आप लोग भी ना मतलब ये सब चीज़ याद करके, जिसके ऊपर गुजरती है वही समझ सकता है, दूसरा इसे कोई नहीं समझ सकता है। तो बस मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो हो गया सो बीत गया, सो बीत गया, अब एक लड़की आगे बढ़ रही है तो उसको बस आगे बढ़ने दीजिए, और हाथ पकड़ के उसको आगे एक स्टेप टान के आगे कीजिए। और चलिए हम भी लोग चलते हैं, बाय बाय टाटा, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कीजिएगा जरूर, और ब्लॉग मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में।